पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया तारे पाही मुरारे कृपया पारे संसार में ना जन्म लेना और इस संसार में मरना बहुत दुखद पल होते हैं। बाहर जब कभी संजोग बस आपको किसी प्रदूषित वातावरण में रहना पड़ता है, जहां पर सुगंध नहीं है दुर्गंध है, खराब लगता है, नाक बंद कर लेते, कपड़ा लगा लेते, और जहां 9 महीना हम रहे हैं क्या वो बहुत बहुत सुंदर जगह है? उसी में भोजन है, उसी में ब्लड है, सब कुछ है। हमें भले ना याद हो आज कि जब हम गर्भ में थे तो हमारे भीतर संवेदना उस जगह के प्रति कैसी थी, लेकिन उस चेतन मन में वो संवेदना होती है। जब मां तीखा खाती है ना तो सिकुड़ जाता है वो। जब बाहर मां खुश रहती है तो अंदर वो भी खुश रहता है। जन्म से संवेदना हमको प्राप्त होता है। तो गर्भ का गर्भ जो काल होता है ना, वास होता है, वो बहुत सुखद नहीं होता है। और जो मरना होता है वो भी बहुत दुखद होता है। कहते हैं हमारे शरीर के भीतर जो इंद्रियां है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, जिनसे आप काम करते हैं उसे कर्मेंद्री कहते हैं, और जिनसे आप ज्ञान हासिल करते हैं उसे ज्ञानेंद्री कहते हैं। सब सेपरेट है, अलग अलग है, लेकिन ये ऐसी है जो ना जो टू वे है, मतलब दो तरीके का है, एक ही में डबल वर्क होता है, 2 in 1। टंग है ना, बोलने का जब काम होता है तो इसे कर्मेंद्री कहते हैं, जीभ। और जब आप खाते हैं कुछ भोजन ग्रहण करते हैं, मिठाई चटनी अचार या भोजन सामग्री, तो फिर उस स्वाद का जो ज्ञान होता है उस समय वो ज्ञानेंद्री के रूप में परिणित हो जाती है। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां जब हमारा शरीर छूटता है ना तो हमारे भीतर से खींचती है आत्मा, और उस समय बहुत पीड़ा होती है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, हे भगवान, एक जन्म मरण के चक्र से हमको मुक्त करो, इसमें मत आने दो, हम नहीं आना चाहते।